दोस्तों, मैं विकास ठेकरे आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ जिस पर बात हर कोई नहीं करना चाहता। जी हाँ, वो विषय है किन्नर समुदाय। किन्नरों को आज भी समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जबकि ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ किन्नरों की वजह से भारत के गौरव में वृद्धि हुई है। आज मैं बात करने वाला हूँ शबनम मौसी की। शबनम मौसी वही औरत है जो भारत की पहली किन्नर महिला विधायक बनी। दोस्तों, के शबनम मौसी का जन्म 1955 में मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता एक आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा चंद्र प्रकाश। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनके घर में जो बच्चे ने जन्म लिया है वह तो एक समलैंगिक है, उसका शरीर एक बालक का है लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वह एक लड़की वाली हैं, अपने सम्मान और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को एक आदिवासी परिवार के हाथों सौंप दिया। दोस्तों, शबनम मौसी ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ अपने साक्षात्कार में कहा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अगले जन्म भी इन्हीं आदिवासी परिवारों में पैदा हूँ और मुझे यही माता पिता मिले, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया था उन्होंने तो मुझे त्याग दिया। दोस्तों, जैसे तैसे शबनम मौसी का लालन पालन हुआ और वे बड़ी हुई और फिर वे पहुंची मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अनूपपुर के सोहागपुर क्षेत्र में। धीरे धीरे वहां पर के लोगों के दिलों में वे काफ़ी छाई चुकी थी। फरवरी सन 2000 में सोहागपुर क्षेत्र से उन्होंने विधायक के लिए चुनाव लड़ा और खुशी की बात यह थी कि 18,000 मतों से शबनम मौसी जीत चुकी थी और उन्होंने एक इतिहास बना दिया था, क्योंकि शबनम मौसी भारत की पहली महिला किन्नर विधायिका बन चुकी थी। तो दोस्तों, आगे हुआ कि शबनम मौसी के ऊपर कई फिल्में बनी, जिसपे एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जो फिक्शन फीचर फिल्म थी जिसपे शबनम मौसी का किरदार निभाया था मशहूर एक्टर आशुतोष राणा ने। दोस्तों, शबनम मौसी आज भी लोगों के दिलों में छाई हुई हैं, भले ही वे आज राजनीतिक जीवन में नहीं हैं। दोस्तों, शबनम मौसी आज भी अपने संगठन और अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए लिंग भेदभाव और शारीरिक संबंध तथा एड्स जैसी गंभीर समस्याओं के लिए लोगों को आज भी जागरूक करती हैं, और शबनम मौसी जैसे लोग आज भी भारत के कहीं ना कहीं भारत को गौरवान्वित करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं वे ही सच्चे इंसान हैं। जय हिंद।